15 दिसंबर को थाना पल्ला के एरिया में, तिलपत गांव के एरिया के अंदर एक हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था। FIR नंबर 905 पल्ला थाना के अंदर दर्ज की गई थी। तिलपत गांव का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम रमन था, जो गांव का रहने वाला था और वहीं पे एक खोखा चाय का वहां पे चलाता था और उसी खोखे के अंदर वो रहता था। 15 तारीख की रात को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसकी जो हत्या है वो धारदार हथियार से मार करके कर दी गई थी। इस मुकदमे की जो जांच है वो CP फरीदाबाद साहब श्री राकेश आर्य जी के द्वारा क्राइम ब्रांच DLF की टीम को सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच DLF के जो इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर कप्तान सिंह, उनके द्वारा इस मुकदमे में लगातार जो अनुसंधान किया जा रहा था और काफ़ी मेहनत के बाद आज लगभग 12 दिन के बाद इसमें कामयाबी हासिल की गई है। और इसमें जो आरोपी था उसका नाम है, जिसके द्वारा इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसका नाम रोहित है, जो चेतन कॉलोनी का तिलपत का ही रहने वाला है। पीछे से जो आरोपी है नूरपुर जिला बिजनौर का रहने वाला है। फिलहाल पिछले काफ़ी समय से यहाँ पल्ला में ही रह रहा था, जो चेतन कॉलोनी है वहाँ पे। आरोपी मृतक का जानकार था और उसके पास आता जाता रहता था। वारदात वाले दिन भी वो रात को वहाँ पे आया था और उसी के पास सो गया था। सोते वक्त रात को नियत खराब होने के कारण उसने जो दुकान के अंदर गल्ला था उस गल्ले से पैसे चुराने सोचे और जो पैसे चुरा रहा था, इन बिटवीन जो मृतक रमन था उसकी आंख खुल गई और उसने जब इसका विरोध किया तो पास में ही पड़ी एक जो कुल्हाड़ी थी जो धारदार, उसको उठा करके रमन के सर पे और गर्दन पे वार किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और आरोपी जो है वो गल्ले से जो पैसे थे वो लेकर के तथा मृतक की एक स्कूटी थी जो वहीं पर थी उसको लेकर के फरार हो गया था। तो 12 दिन की मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच DLF की टीम के द्वारा इन आरोपी को कल चेतन कॉलोनी पल्ला से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका रिमांड सर लिया कितने गया है। पैसे थे जो है गले जो में? जो गल्ला जो था उसके अंदर जो खुले पैसे थे लगभग 800 रुपए थे जो उसके द्वारा चुरा लिए गए थे। उसके अलावा कुछ फटे पुराने नोट थे वो भी उसके द्वारा उसमें सर से आठ सौ चुरा रुपये की लिए नियत गए। खराब हो गई इसकी। जी, जो पूछताछ में उसने बताया कि जो मृतक है वो वहीं पे रहता था तो उसे ये था कि दुकान में ही पैसे रखता होगा, इसके पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन जो उसके गले में उतने पैसे नहीं मिले तो साथ में स्कूटी जो थी वो भी वहां से लेकर के चला आरोपी क्या गया। पहले से आरोपी जानता उम्र था कितनी बताई जा रही उसको? है? और जो जब जो हुई है लूट, ये लूट के मामले में ही हत्या है? जी, आरोपी जो है ये उसको पहले से परिचित था और उसके पास पहले भी आता जाता रहता था। और जो उसका पहले वो वहां पर आया था उसने पहले उसके पैसे चुराने की कोशिश की थी। पैसे चोरी करते वक्त जब वो उठ गया तो उसने विरोध किया तो विरोध करने के कारण उसकी हत्या की गई। क्वालिफिकेशन कितनी था इसकी? उम्र कितनी है सर क्वालिफिकेशन इसकी? इसकी जो आरोपी की? आरोपी जो है वो 8वीं पढ़ा हुआ है और 18 साल का है। इससे पहले भी कुछ क्रिमिनल इससे रिकॉर्ड है? पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अभी उसका रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान उसकी अन्य किसी मामले की जो संलिप्तता होगी उस बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अगर कोई उसकी संलिप्तता होगी तो कार्रवाई की इनकी जाएगी। एज और हथियार भी दिया सर, एजुकेशन क्या हथियार भी है? दिया? 18 साल का है आरोपी और 18 साल? 18 साल का है और किसका सिर्फ कब्जा था पढ़ा सर? लिखा कुल्हाड़ी ज़्यादा नहीं है, 8वीं तक का ही पढ़ा हुआ में है। गई है? जी, वो बरामद कर ली गई है। रिमांड के दौरान जो पैसे हैं और जो स्कूटी है उसको बरामद किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।